हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का से केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना केमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो अपने लेसन शुरू किया था वो चल रहा था। तो उसका जो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा विद्युत अपघट्यों के चार तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक है विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो विद्युत अपघट्य हैं उनके चालकों को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं उनका डिटेल करेंगे अपन यहाँ। तो जो विद्युत अपघट्य हैं जो उनके चालकों को प्रभावित करने कारक है उस कारक में नंबर 1 है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता पहला कारक है अपन, विलयन की सांद्रता। नंबर 2 कारक पर अपना है विलाय की श्यानता। विलायक की सयानता, ठीक है। नंबर 3 है अपना ताप, और नंबर 4 है अपना आयनों का विलायक योजन। आयनों का विलायक योजन, और जो नंबर 5 अपना आयन विलायक, आयन विलायक आकर्षण बल, आकर्षण बल। ये 5 फैक्टर है, 5 कारक है जो अपने विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करते हैं। पहला विलयन की सांद्रता, दूसरा है विलायक की श्यानता, तीसरा है ताप, चौथा है आयनों का विलायक योजन, और पांचवा आयन विलायक आकर्षण या आयन विलायक अन्योन क्रिया, ठीक है। तो नंबर 1 है अपना इनमें विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता तो अपने बताया कि विलयन की सांद्रता बढ़ने पर आयनों के बीच जो गति होती है वो कम होती है, और आयनों के बीच गति कम होने की वजह से जो चालकत्व का मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या लिखो, सांद्रता बढ़ने पर, सांद्रता बढ़ने पर चालकत्व का मान कम होता है। यानी जैसे सांद्रता बढ़ेगी चालकत्व का मान कम होता है क्योंकि आयन की गति कम हो जाती है। नंबर 2 है अपना विलायक की श्यानता। विलायक की श्यानता जैसे ही विलयन की सांद्रता बढ़े, पॉइंट नंबर 1 में कहते हैं कि सांद्रता बढ़ने पर चालकता के मान में क्या जाती है, कमी। श्यानता बढ़ने पर भी विलयन की सांद्रता बढ़ती है, तो विलायक की श्यानता बढ़ने पर, विलायक की विस्कोसिटी यानी श्यानता बढ़ने पर भी चालकत्व के मान में क्या आती है, कमी। चालकत्व के मान में कमी आती है, ठीक है। यानी श्यानता बढ़ने पर चालकत्व के मान में क्या आएगी, कमी। तीसरा पॉइंट अपना ताप। ताप बढ़ाने पर चालकत्व के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो विद्युत अपघट्य है उसका वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ने की वजह से आयनों की गति बढ़ती है, और आयनों की गति बढ़ने की वजह से चालकता का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है,
बढ़ती है। अतः चालकत्व का मान बढ़ता है। जैसे टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे ताप बढ़ाएंगे, विद्युत अवघट्य के वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, वियोजन की मात्रा में वृद्धि होने की वजह से उसी चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक, पॉइंट नंबर चार है आयनों का विलायक वियोजन, आयनों का विलायक वियोजन, आयनों का विलायक योजन, आयनों का विलायक के साथ योग। ठीक, यदि आयनों का विलायक योजन यानी आयन और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आयन व विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत है तो आयन के अणु आपस में जुड़ जाएंगे और आयन के अणु आपस में जुड़ने की वजह से बड़े अणु का निर्माण करते हैं, बड़े अणु का निर्माण करने की वजह से चालकता की मान क्या आती है, कमी। चालकत्व के मान में कमी आती है। आयनों का विलायक योजन बढ़ने पर, आयनों का विलायक योजन बढ़ने पर चालकत्व के मान में क्या आएगी, कमी, क्योंकि आयन विलायक, आयन और विलायक से आपस में जुड़ करके बड़े अणु का निर्माण करते हैं, इससे आयन की संख्या में कमी आती है, कमी आने की वजह से चालकत्व के मान में कमी आती है। ठीक है, नंबर पांचों पॉइंट है अपना आयन विलायक, आयन विलायक आकर्षण बल, आयन विलायक आकर्षण, यानी आयन और विलायक के बीच आकर्षण बल। पॉइंट इसमें दो बल कार्य करते, एक तो करता है आयन, आयन के बीच, आयन आयन के बीच आकर्षण बल, आयन आयन के बीच आकर्षण बल। दूसरा कार्य करता है आयन विलायक के बीच आकर्षण बल, आयन विलायक आकर्षण बल। एक हो सकता है आयन आयन के बीच आकर्षण बल, एक है आयन और विलायक के बीच आकर्षण बल। ठीक, यदि आयन आयन के बीच, आयन आयन के बीच जो आकर्षण बल है वो ज्यादा लग रहा है आयन विलायक के बीच आकर्षण बल से, यदि आयन और विलायक के बीच आकर्षण बल है तो उसके बीच जो बंध है आयन और विलायक के बीच जो आकर्षण बल होगा, जो बंध होगा उसको तोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं जल योजन ऊर्जा या विलायक योजन ऊर्जा, विलायक योजन ऊर्जा। आयन विलायक के बीच जो ऊर्जा मुक्त होती है, आयन और विलायक के बीच जो बंद होता है उससे जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे कहते हैं विलायक योजन ऊर्जा। यदि विलायक के रूप में, यदि विलायक जल हो तो, यदि विलायक जल हो तो उसे कहते हैं जल योजन ऊर्जा, या कहते हैं जल योजन ऊर्जा। आयन विलायक के बीच जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं विलायक योजन ऊर्जा, यदि विलायक आपने जल ले लिया तो उसे कहेंगे जल योजन ऊर्जा। और जो आयन आयन के बीच, आयन आयन के बीच जो बंध है उसको ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं जालक ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं जालक ऊर्जा। आयन आयन के बीच जो बंद उसे ऊर्जा मुक्त होती है कहेंगे जालक ऊर्जा। आयन और विलायक के बीच जो ऊर्जा मुक्त उसे कहते हैं विलायक योजन ऊर्जा। यदि आयन आयन के बीच जो आकर्षण बल है वो मजबूत है, आयन विलायक, आयन विलायक के बीच लगने आकर्षण बल की तुलना में, तो ये अगर आयन आयन के जो आकर्षण मजबूत हुआ, प्रबल हुआ, तो इस प्रकार से जो विद्युत अवघट्य बनते हैं वो दुर्बल विद्युत अवघट्य बनते हैं, और दुर्बल विद्युत अवघट्य बनने की वजह से चालकता के मान में क्या आती है, कमी। ठीक, इस प्रकार जो विद्युत अवघट्य बनेंगे आयन आयन आकर्षण बल मजबूत होने की वजह से, तो वो विद्युत अवघट्य बनते हैं दुर्बल विद्युत अवघट्य।
बल विद्युत अपघट्य, यानी उनका वियोजन नहीं होता है, वियोजन नहीं होने पूर्ण आयनन नहीं होता है, पूर्ण आयनी वजह से चालकता मान जाती है कमी। तो यह तो था अपना टॉपिक विद्युत अपघट्यों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।